हम अभी महाराष्ट्र में विदर्भ में चांदेही गांव में है और इस गांव के सरपंच है नीलेश राव, तो इनके खेत में है अभी। इनके खेत की अभी कंडीशन वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ प्लांट्स में हमें कुछ बहुत इश्यूज लग रहे हैं, जैसे एकदम रेडिश हो गए हैं लीव्स, ये प्लांट भी रेड हो गया है, पूरा लीव्स रेड हो गए हैं, बॉल पे इतने रेड मार्क्स आ गए, ये लीफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेड हो गए और नियरली डेड हो गए। तो नीलेश राव आता काय प्रॉब्लम है ऐसे मध्ये समझ जाता है, बोंडा कवडेपणा पाहिजे रे थोडसा, आणि हे मालाची आवक पाहिजे, हे लाल लाल झाले पाते, हे इथे लाल झाले, लाल नाही व्हायला पाहिजे, पांढरी माशीच आहे आता प्रादुर्भाव जास्त, आवक वाढायला पाहिजे, पांढरी माशी आहे ना। अच्छा, ये व्हाइट फ्लॅश हो सकता है ऐसा इनका कहना है, पांढरी माशी रस शोषण करून घेते सर्व याच्यातलं। अच्छा, याच्यातलं लीव्स को पूरा ड्राई कर देती है रेड करने के बाद, और जो सॉफ्ट बर्ड्स रहते हैं वो सब ऐसे ही गिर जाते हैं डेड होकर। ये आप देख सकते हैं ये प्लांट ग्रीन होना चाहिए, उसके बदले एकदम रेड है, पास का प्लांट देखेंगे तो ये ग्रीन है। कंडिशन खराब होते, त्याला पाण्याची आवश्यकता आहे, पाणी तर देऊ, पाण्याची आवश्यकता नाही, पाणी आता दिवसा अगोदरच आलं होतं ना, बोलस आहे ना हे, आता इथं आपण माथ्यावर थोडस तिकडे जर गेलं तर, आणि अशी पराडी व्हावं नाही तर उपाययोजना काय, उपाययोजनाच आम्ही तुम्हाला उद्या सांगू याची काय, याला फवारणी करायची आहे, सायंटिस्टला पाठवून देतो हे फोटो आणि व्हिडिओ, आणि याचा काय उपाय होऊ शकतो, उद्या एक महाराष्ट्रात सर्वात यशस्वी शेतकरी येणार आहे अमृतराव देशमुख म्हणून, त्यांनी 50 क्विंटल प्रति एकरचा उत्पादन घेतलेलं आहे यवतमाळमध्ये, आपण त्यांना पण विचारू हे काय आहे म्हणून, है ना, गुजरात मध्ये तेलंगणा मध्ये नव्हे यवतमाळ विदर्भ मध्ये घेतलेले आहे, यवतमाळ पासूनच ओळखले जाते ना कापसाचं, हो ना, पण तिकडची माती तुमच्यासारखी इतकी चांगली नाही आहे दादा, तरी पण जमीन ते यवतमाळ सज्जी आहे की साहेब तुम्ही म्हणताय ते जमीन उलट नाही, आमची जमीन आता थोडस हे झालं की बंद 8 दिवसांनी उलते, बरोबर, ते मुळ्यात पाणी आलं झाली नाही मिला सरजी, जमीन को ऐसी ये हो जाती, कैश गिर जाती, फट जाती है जमीन, मतलब वाटर लेवल बहुत नीचे है ना, इसीलिए, और वो जो जमीन है उसको पानी भी नहीं मिला तो जमीन फटती नहीं, वो ठंडी रहती, जो अंदर का जो ये रहता उसका मराठवाड़ा में वो प्रॉब्लम है, वो आपके इधर हो रहा है, ये प्रॉब्लम मराठवाड़ा में बहुत जगह है, जालना बीड उस साइड जाएंगे ना, तो जिधर नहीं जिधर काली की खेत जमीन है, काली मट्टी की जिधर जमीन है उधर ये प्रॉब्लम आएंगी, तो उसको भारी बोलते, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं भारी बोलते तो पैसा है, ये जमीन में पानी जो है ऊपर का जो बारिश आती वो पचाने की इसमें कैपेसिटी है, वो जमीन में कैपेसिटी नहीं है, बराबर, वो जमीन का जो है ऐसा पूरा मटल बह के जाएगा, हाँ पर ऊपर से, हाँ, ये पूरा ऐसा पानी पचा के रखता है जमीन, बराबर है, तो भी ये कंडीशन है, जले आता खालच दिलं त्याच्यानंतर आता वरच आलं, बराबर आहे, दोघे पाणी आलं तरी भी काही फरक नाही, पण आता एकच पाऊस आला नाही, आता असं आहे की ये इसका कलर ऐसा क्यों हो रहा है, हां ये इसको डबल से माल पकड़ना चाहिए, डबल माल नहीं पकड़ रहा है, माल नहीं पकड़ रहा है, ऊपर से तो थोड़ा माल झाल्यानंतर जान छोड़ रहा है, इसको अगर स्प्रेइंग करना है तो इसका स्प्रेइंग कौन सा है, बराबर, कौन सी स्प्रेइंग सी है, क्वालिटी इसकी मतलब सुधर जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, अभी यहाँ से नुकसान अगर वापस नहीं हुआ तो रुक जाएगा, दूसरा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, एक तो कालावधि बहुत दूर है ना, कम होगा ना उसका, हाँ कम हो गया ना कालावधि, बराबर, वैसा 5 महीने एक महीने में सब कपास निकल जाता है, 5 महीने के बाद 4 महीने में निकल जाएगा।